ओके सर, वी आर लाइव नाउ. सो वी आर लाइव नाउ। या शैल वी स्टार्ट? ओके हाँ ओके, जस्ट गुड इवनिंग एवरीवन. मेक श्योर आई एम या ऑडिबल। ओके यू आर ऑडिबल सर. ठीक है। सो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर टुडे। इट्स ट्रूली एन ऑनर। मेरे पास एको आ रही है अभी, जस्ट अ सेकंड। सो हेलो एवरीवन, थैंक आई'ल यू स्टार्ट फॉर विद द सेशन इनवाइटिंग एंड मी हियर टुडे। इट्स रियली एन ऑनर टू बी एड्रेसिंग सच ब्रिलियंट माइंड्स एट दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। अब इससे पहले हम प्रोसीड करें, आई वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू पॉइंट्स विद यू। सो दिस इज माय फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब लाइव लाइव सेशन विद कॉलेज स्टूडेंट्स। सो आई आस्क फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इफ माय परफॉर्मेंस सीम्स अ बिट ऑकवर्ड। प्लीज बियर विद मी, I'll do my best to avoid being awkward or boring. And having been somewhat out of touch with formal academic economics, I hope you'll excuse me if I come across as less coherent or perhaps even a bit uninformed to say. Every teacher loves learning from students, except of course students that are jerks. So let's get started. So the topic for today is capitalism natural to humans? A brief history of वेज स्लेवरी। नाउ व्हाई दिस टॉपिक? ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम आई यूज टू बी एन ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट, माने ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक थॉट है एक इकोनॉमिक्स के ट्रेडिशन में, और मैं उसमें बिलीव करता था। और वहां पर कभी भी हिस्ट्री हिस्टोरिकल सेंस में कभी भी कैपिटलिज्म को नहीं देखा जाता था। वहां हमेशा बात होती थी वॉलंटरी ट्रेड की, फ्रीडम की, चॉइस की, कि हम सब विलिंगली आपस में कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं है। गवर्नमेंट बीच में एक फोर्स एनफोर्स करने वाली एजेंसी आ जाती है और वहां से मामला सारा खराब हो जाता है। लेकिन जब आप कैपिटलिज्म को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि कैपिटलिज्म बहुत ही एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जिसके ऊपर आज मैं बोलने वाला हूं। और हम एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे वेज स्लेवरी की। तो यहां पर आपको दो कोट्स दिख रहे होंगे, एक गेओर्ग लुकक्स का है, ही सेज वी सी द अनहिस्टोरिकल एंड एंटी हिस्टोरिकल कोर्स ऑफ बुर्जुआ थॉट व्हेन वी कंसिडर द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट एज अ हिस्टोरिकल प्रॉब्लम। नाउ दिस इज अ वेरी रिमार्केबल लाइन ऑफ थॉट कि आपको हमेशा प्रेजेंट को देखना है एज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस। हमेशा जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है वो क्या करते हैं, हिस्ट्री को डाइवोर्स कर देते हैं प्रेजेंट से और एब्स्ट्रैक्ट की रीजनिंग करते हैं। और मार्क्स ने भी कुछ ऐसा ही बोला था व्हेन ही सेड दस हिस्ट्री एक्सिस्टेड वंस अपॉन अ टाइम बट इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। ही वॉज ऑफकोर्स कमेंटिंग ऑन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स कि भाई आप इतिहास की बात ही क्यों नहीं कर रहे जब अपना डिस्कशन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो इस डिस्कशन में कि कैपिटलिज्म नेचुरल है ह्यूमंस को या नहीं है, हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटलिज्म कितना पुराना सिस्टम है या एक नए नवीली दुल्हन है ये। तो अगर हम इतिहास देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो नहीं मॉडर्न ह्यूमंस है दे डेट बैक टू मोर देन 200,000 ईयर्स अगो, 2 लाख साल पहले। और जो अभी हमारा मॉडर्न इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है दैट हैज इमर्ज्ड जस्ट अ फ्यू 100 ईयर्स अगो, विच इज जस्ट 0.25% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जस्ट इमेजिन दैट, 2 लाख साल पुराना जो मॉडर्न मानव है उनका इतिहास है, और कैपिटलिज्म उग के निकलता है कब, पिछले कुछ 200 300 400 सालों के अंदर, विच इज जस्ट 0.25% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। मतलब उससे पहले जितना भी मॉडर्न ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस था वहां ह्यूमन नेचर झक मार रहा था। तब ह्यूमन नेचर वॉज नोवेयर इन द पिक्चर। सडनली ये जो फ्यू लास्ट 100 ईयर्स है इसमें हमारा ह्यूमन नेचर जो है वो एग्जैक्टली मैच करता है कैपिटलिज्म से। दिस इज द आइडिया दैट वी आर यूजुअली सोल्ड इन द प्रोपोगेंडा। अब आई वॉन्ट टू ओपन द फ्लोर टू स्टूडेंट्स, वॉट इज कैपिटलिज्म एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक सिस्टम? आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू ऑल अबाउट दिस। एनी वन हु वॉन्ट्स टू रेज हैंड एंड ज्वाइन। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटलिज्म एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोनॉमिक सिस्टम्स?
Tanish, I think you can see if anyone is responding. Yes, sir. I can. No one yet. Okay, Samriddhi has responded. Okay, what has she written? She says capitalism. Well, it emphasizes on giving results to those who work. It emphasizes on what? It emphasizes on giving results to those who work. Okay, to those who work. So what about unproper? मतलब जिनके पास property होती है, do they work? What is work? Capitalism is about giving returns to people who don't work. अभी recently Infosys की नारायण मूर्ति का पोता था या पोती थी जो भी थी, उनको 250 करोड़ रुपए के इन्फोसिस के शेयर्स गिफ्ट किए गए. नाउ उस इन्फेंट ने क्या वर्क करा है कि उसको 250 करोड़ के शेयर्स मिले हैं? आप बताइए जरा. इफ कैपिटलिज्म इज अबाउट पेइंग दोज हु वर्क, व्हाई इज दैट इन्फेंट बीइंग पेड 250 करोड़, जो कि आम इंडियन अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएगा कभी भी. एनी एल्स रिस्पॉन्स? They are saying it's not generational yet. Wealth. Okay, generally when I speak, people often conflate capitalism with markets. They say capitalism is markets. Market economy, आपने सुना होगा, capitalist economy, market economy, same breath में बोलते हैं. तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, wait a minute. Markets are not distinguishing feature of capitalism. Slavery had them, feudalism had them, and capitalism also has them. अगर आप पीछे स्लेवरी के समाज में भी जाए, हम सब वेब सीरीज देखते हैं, स्पार्टिकस हो गया, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, सब हो गया, मार्केट्स तो वहां भी एग्जिस्ट करते थे. फ्यूडलिज्म आया उसके बाद वहां भी मार्केट्स एग्जिस्ट करते थे और कैपिटलिज्म में भी मार्केट्स एग्जिस्ट करते हैं. सो वॉट एग्जैक्टली इज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ कैपिटलिज्म? इट्स नॉट मार्केट्स. What distinguishes capitalism from other economic systems is कि यहां पर जो production होती है वो employer employee के relation के according होती है. और Marx के शब्दों में अगर हम समझे तो where we have division of classes between propertyless wage earners and entrepreneurs who own the capital. अभी जैसे एक student ने बोला कि जो लोग काम करते हैं उनको payment करने का ये system capitalism है. नोट हेयर डिस्टिंक्शन मार्क्स क्या बता रहा है? प्रॉपर्टी लेस वेज अर्नर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु ओन द कैपिटल, ये डिस्टिंक्शन है. बेसिकली आप कभी भी अगर नौकरी पे जाओगे, अब तो चलो आगे हम कवर करेंगे, कंडीशनिंग हो गई, सब कुछ हो गई, बट एक्चुअली में व्हाट डज प्रॉपर्टी इवन मीन? इट मीन्स द राइट टू लिव विदाउट वर्किंग. यू डोंट हैव टू वर्क टू द एक्सटेंट दैट यू हैव प्रॉपर्टी. That's the meaning of property. आप काम कब करते हो? जब आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होती या आपको प्रॉपर्टी जुटानी होती है. तो ऐसे सिस्टम में जहां पर लोगों के पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी पैसे वाले लोग हैं और उनको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, वो आपसे काम करवा रहे हैं आपको वेज दे करके. तो कैपिटलिज्म का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि यहां पर इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप से प्रोडक्शन होता है. और मार्क्स ने तो डिवाइड करा है बिटवीन वेज अर्नर्स एंड entrepreneurs who own capital. और गोल क्या होता है प्रोडक्शन का? एवर ग्रेटर accumulation. कि आपको accumulate करनी है वेल्थ, ना कि consumption के लिए आप पैसा अर्न कर रहे हो. फॉर someone who has, let's say, $1 billion, he is not going to consume it. He is, you know, वो accumulate कर रहा है उसको. Maybe he will use it for further business venture, acquisition, etc., etc., but not for consumption. Feudalism, on the contrary, was a system of production based on lord-serf relation, with the goal mostly being consumption. इसके ऊपर आगे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं मार्क्स का क्या कहना था अपनी मैग्नम ओपस कैपिटल में. ये जो डिस्टिंक्शन उसने बताई कि कैपिटलिस्ट होते हैं जिनके पास कैपिटल होती है, और वेज अर्नर्स वो होते हैं जो प्रॉपर्टी लेस होते हैं. बेसिकली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगी. मॉडर्न टाइम्स में पीपल वेज अर्नर्स ऑल्सो डू हैव सम प्रॉपर्टी, बट इट इज इनसिग्निफिकेंट वेन कंपेयर्ड विथ प्रॉपर्टी दैट कैपिटलिस्ट हैव. सो मार्क्स कहते हैं कैपिटल की वॉल्यूम 1, 273 पेज नंबर पे, वन थिंग हाउएवर इज क्लियर,
Nature does not produce, on the one hand, owners of money or commodities, and on the other hand, men possessing nothing but their own labor power. This relation has no basis in natural history, nor does it have a social basis common to all periods of human history. It is clearly the result of a past historical development, the product of many economic revolutions, of the extinction of a whole series of older formations of social production. और जब हम इतिहास का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा कि कैपिटलिज्म पिछले कुछ 100 साल की उपज है. उससे पहले ये डिस्टिंक्शन नहीं एग्जिस्ट करता था बिटवीन वेज अर्नर्स एंड बिटवीन कैपिटलिस्ट. कोई लेबर मार्केट नहीं होता था, कोई लिंक्डइन नहीं होती थी, कोई लेबर चौक नहीं होती थी कि लोग पहुंच गए वहां पर खड़े हो गए और भाई चलो आज काम ढूंढते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले अलग ही सिस्टम चलते थे. तो ये नेचर में फाउंड नहीं होता, इट इज फाउंड इन सोशल अरेंजमेंट्स. दिस इज व्हाट मार्क्स इज सेइंग. अब जो मार्क्स ने यहां पर टर्म यूज करी कि पास्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का प्रोडक्ट है कैपिटलिज्म का, तो वो किसके बारे में बात कर रहा था? ये दो ग्रुप्स के जो लोगों का विभाजन हुआ, वन ओनिंग वेल्थ एंड द मीन्स टू जनरेट मोर वेल्थ एंड द अदर ओनिंग लिटल मोर देन स्किन्स ऑन देयर बैक. ये कैसे हुआ? पास्ट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से. जो एडम स्मिथ भगवान माने जाते हैं इकोनॉमिक्स प्रोफेशन के फादर फिगर, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी, उनका इस पर क्या मत है? वो कहते हैं कि ये हुआ थ्रू डिविजन ऑफ लेबर. कुछ लोग जो थे डिविजन ऑफ लेबर की वजह से ट्रेडर्स बन गए. ये ट्रेडर्स सेविंग कर लेते थे, जो पैसा आता था इन पे हार्डवर्क करते थे, सेव करते थे, और उसके बाद वो सेव इतना कर लेते थे कि वो फैक्ट्रीज बना ले और लोगों को एम्प्लॉय कर दे. सिंपल कहानी भाई. कुछ जो लोग हैं वो सेविंग्स वाले हार्ड वर्कर्स हैं, बाकी लोग लेजी हैं और लूज भाषा में स्लैंग में बोल तो हराम खोर है. तो ऑब्वियसली जो मेहनती है वो रिवॉर्ड होते हैं, वो इकट्ठा कर लेते हैं पैसा और उससे कैपिटल बिल्ड कर लेते हैं. अब मार्क्स ने इस कन्वेंशनल विजडम को कैसे मॉक कर अपनी कैपिटल में? तो कहता है द प्रिमिटिव एक्यूमुलेशन प्लेज अप्रोक्सीमेटली द सेम रोल इन पॉलिटिकल इकोनॉमी एज ओरिजिनल सिन डज इन थियोलॉजी. ओरिजिनल सिन, आई एम होपिंग सबको पता ही होगा, क्रिश्चियनिटी में, कि एडम को मना किया गया था एप्पल नहीं खाना, उसने एप्पल खा लिया और उसके बाद पूरी ह्यूमन रेस को श्राप लग गया एक तरीके का कि अब से सब सिन में बॉर्न होंगे. तो कहते हैं एडम बिट द एप्पल एंड देयर अपॉन सिन फेल ऑन द ह्यूमन रेस. इट्स ओरिजिन इज सपोज टू बी एक्सप्लेन्ड व्हेन इट इज टोल्ड एज एन एनेक्डोट अबाउट द पास्ट. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वर टू सॉर्ट्स ऑफ पीपल. One, the diligent, intelligent, and above all, frugal elite. The other, lazy rascals, spending their substance and more in riotous living. दंगे फसाद करने वाले लोग, basically. Thus it came to pass that the former sort accumulated wealth and the latter sort finally had nothing to sell except their own skins. And from this original sin dates the poverty of the great majority who, despite all their labor, have up to now nothing to sell but themselves and the wealth of the few that increases constantly although they have long ceased to work. Aur phir likhte hain, such insipid childishness is every day preached to us in the defense of property. Aur ye childishness kyu hai, iske bare mein hum is session mein detail mein charcha karenge. To transition jo hua capitalism pe feudalism se, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय डिवाइड आया, जो कि ऑब्वियसली ह्यूमन हिस्ट्री में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था लेकिन बाद में एग्जिस्ट करने लगा, या वेज अर्नर कैपिटलिस्ट का डिवाइड जो है, ये नेचुरली नहीं आया, ना ही ये एलीट इंटेलिजेंस से आया. और इसको हम इलस्ट्रेट करेंगे एग्जाम्पल से. वायलेंट अपहीवल्स हुए थे जिसमें आबादियां की आबादियां, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ दी गई, उनको उनकी लैंड से अलग कर दिया गया. जो सेल्फ सफिशिएंट लोग थे उनकी सेल्फ सफिशिएंसी से उनको सीवियर कर दिया गया. और वायलेंट लॉज और जबरदस्ती यूज की गई, कोर्चन यूज की गई टू डिसिप्लिन अ न्यू क्लास ऑफ लेबरर्स. पॉलिटिकल रिवॉल्यूशंस भी हुए, लॉक जैसे थिंकर आए. और ये जो एलीट था, इन्होंने रिप्रेस करा रेजिस्टेंस को, एडवांस करे मार्केट्स और एक्सप्लॉइट करे रिसोर्सेज डोमेस्टिकली और अब्रॉड. अब इसी से हमें पता चलता है कि कितने अननेचुरल ओरिजिन्स है कैपिटलिज्म के. अभी खैर पता तो नहीं चलता, अभी तो मैंने सिर्फ क्लेम कर दिया, आगे हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे. अभी तो हम क्लेमिंग स्टेज पर है, आगे हम इलस्ट्रेटिव स्टेज पे जाएंगे. तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं
कि फ्यूडलिज्म क्या होता है. फ्यूडलिज्म के अंडर आप ये समझ लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, फ्यूडलिज्म एक ब्लैंकेट टर्म है जो कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग फॉर्म ले सकता है. आप ये, अब मैं अगर बता रहा हूँ फ्यूडलिज्म का, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आई एम गिविंग इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड फ्रांस वगैरह, जहां पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और फिर मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आप बाकी पार्ट्स में देखोगे तो इट हैड अ डिफरेंट वेरिएंट, जापान में अलग था, इंडिया में अलग था, मतलब यू वोंट फाइंड एग्जैक्ट वेरिएंट एवरीवेयर. सो आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर जस्ट इन केस यू थिंक कि भाई ये एप्लीकेबल सब जगह है और यहाँ नहीं एग्जाम्पल था वहां नहीं एग्जाम्पल था, तो दिस हैज टू बी मेड क्लियर. तो फ्यूडलिज्म के अंडर वेस्टर्न यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में लैंड्स को डिवाइड कर दिया गया था, जो मोनार्किक लैंड्स थी, और उनको लोकल हेलो. जरा यस सर, अभी बीच में ब्रेक हो गया क्या था ना नेटवर्क? यस सर, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया ओके, वी आर नाउ था. कनेक्टेड अगेन. या ओके, एंड वी हैव टू चलो शेयर द वापस चलते स्क्रीन हैं. हाँ, हम बात कर रहे थे फ्यूडलिज्म की, और मैं आपको बता रहा था कि फ्यूडलिज्म जो है वो कंटेक्सुअल है नेचर में. वन सेक, लेट मी जस्ट, हाँ जी. सो आई वॉज सेइंग कि फ्यूडलिज्म कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है, वी कांट जनरलाइज इट अक्रॉस द वर्ल्ड. व्हाट आई एम स्पीकिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, एटसेट्रा. सो तो आई वहां पर डोंट थिंक यू बेसिकली आर होता क्या था प्रेजेंटिंग. फ्यूडलिज्म में, मोनार्की हुआ करती थी, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करते थे, और जो मोनार्किक लैंड्स थी उनको डिवाइड कर दिया जाता था लोकल लॉर्ड्स में. जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा उनको याद होगा, लॉर्ड बेलिश, लॉर्ड वेरिस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए मोटा मोटा. ये लॉर्ड्स जो थे वो अपने इनहेबिटेंट्स पे फिर रूल करते थे, जो इनको जमीन दे दी जाती थी, और इनकी लॉर्ड की एस्टेट से सर्फ्स बंदे होते थे, विच वर बेसिकली पेजेंट्स, अनफ्री पेजेंट्स, दे वर पुट टू वर्क. और सर्फ्स को अपने लॉर्ड्स को जो वो खेती बाड़ी करते थे उसका या तो एक हिस्सा देना होता था या तो पैसा देना होता था. पैसा मतलब आई मीन करेंसी, ऑब्वियसली पैसा एग्जिस्ट नहीं करता था तब, सम एल्स करेंसी मस्ट बी इन यूज, तो उनको मनी देनी होती थी, या फिर जो लॉर्ड का डेमेंस था वहां पर कुछ दिनों के लिए काम करना पड़ता था, जो कि उनका खुद का एस्टेट होता था. वहां पर वो खुद नंबर ऑफ डेज डिवोट करते थे कि इतने नंबर ऑफ डेज आपको आना है यहाँ पर और काम करना है. तो बेसिकली जो सर्फ थे उनके पास एक्सेस था, टूल्स थे, सब कुछ था, वो अपना प्रोडक्शन करते थे, और फिर लॉर्ड आता था और उनसे सामान ले जाता था जबरन. दिस वॉज फ्यूडलिज्म. और मार्केट फ्यूडलिज्म में फॉर द मोस्ट पार्ट वर लोकल एंड प्रोडक्शन वॉज डन मोस्टली फॉर यूज, नॉट फॉर एक्सचेंज. दिस वी हैव टू कीप इन माइंड. इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट्स वहां एग्जिस्ट नहीं करते थे, मार्केट एग्जिस्ट करते थे, लेकिन प्रोडक्शन फॉर मोस्ट पार्ट वॉज फॉर लोकल नीड्स, लोकल कम्युनिटी नीड्स या विलेज नीड को ध्यान में रखकर उसको किया जाता था प्रोडक्शन फॉर यूज. नाउ जैसा कि मार्क्स कैपिटल में लिखते हैं कि इट इज क्लियर दैट इन एनी गिवन इकोनॉमिक फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, वी आर नॉट द एक्सचेंज वैल्यू बट द यूज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स. सरप्लस लेबर विल बी लिमिटेड बाय अ गिवन सेट ऑफ वॉन्ट्स विच मे बी ग्रेटर और लेस, एंड दैट हेयर नो बाउंडलेस थर्स्ट फॉर सरप्लस लेबर अराइजेस फ्रॉम द नेचर ऑफ प्रोडक्शन इटसेल्फ. अब ये जारगनबाजी का मतलब क्या है? तो सर, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन की जा सकती है फॉर यूज वैल्यू या फिर फॉर एक्सचेंज वैल्यू. आज हम जस्ट अ मॉडर्न सेकेंड इकोनॉमी में सर. प्रोड्यूस करते हैं फॉर एक्सचेंज वैल्यू, नॉट फॉर यूज वैल्यू. अगर आप एक शू फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप वहां पर जूते नहीं पहनने जाते, आप उन जूतों के बदले कैश इकट्ठा करते हो, उससे एक्सचेंज करते हो बेसिकली गुड्स के लिए, बैंक के चेक के लिए, और फिर उससे अपने सामान खरीदते हो.
तो आज की जो इकोनॉमी है वो एक्सचेंज बेस्ड इकोनॉमी है प्राइमरली, जो फ्यूडल इकोनॉमी थी वो प्राइमरली यूज बेस्ड इकोनॉमी थी। अब सरप्लस लेबर क्या बोला है? सरप्लस लेबर माने लेबरर ने जो प्रोड्यूस करा उसकी वैल्यू में से जितना हिस्सा उसके पास बचा वो तो उसका हुआ, और जितना उससे ले लिया गया वो होता है सरप्लस लेबर। ये सरप्लस लेबर एक्सचेंज इकोनॉमीज में बहुत ज्यादा होता है, और जो प्रोडक्शन में जहां पर यूज के लिए होता है वहां ये कम होता है। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्योंकि सरप्लस लेबर कम होता है तो इस वजह से मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने का कोई प्रेशर नहीं है यहां पर, एज अपोज टू कैपिटलिज्म। स्क्रीन इज नॉट श्योर, वी कांट सी पीपीटी। ओके लेट मी चेक। लेट मी चेक। इज इट विजिबल नाउ? लेट मी नो इन चैट। यस ओके फाइन सॉरी। तो क्योंकि यहां पर यूज वैल्यू के लिए प्रोडक्शन होता था, और बेसिकली लॉर्ड उतना ही लेता था जितना उसको चाहिए होता था। एक इंसान कितना कंज्यूम कर लेगा एट बेस्ट? वो एक्यूमुलेट करने के लिए नहीं वहां पर प्रोडक्शन होता था मोस्टली, इट वॉज एट बेस्ट फॉर कंजम्पशन। तो इस वजह से कोई प्रेशर भी नहीं था टू इम्प्रूव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एज इज इन द केस ऑफ कैपिटलिज्म, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन था। अब जैसा कि मैंने बताया, फ्यूडलिज्म में पेजेंट्स के पास लैंड को एक्सेस था, जिन टूल्स से वो अपने काम करते थे उससे एक्सेस था, और उनको अपनी फैमिलीज के पास, जिससे वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सके। जो लॉर्ड का मैनर था, मैनर माने उसकी जमीन जो थी, उसके अंदर शेयर्ड लैंड्स भी होती थी जहां पर कॉमनर्स जाते थे और उनके पास अधिकार था काम करने का, और अपनी लाइव स्टॉक्स, कोई गाय है किसी की या कुछ भी है, उसको चराने का। दे हैड द राइट टू यूज दैट लैंड जो कॉमनर्स के लिए होती थी। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भले ही वहां पर मीगर हो, आज के कंपेरेबल नहीं होगा उस टाइम पर, इट अलाउड फॉर अ डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। एंड वाई? क्योंकि वर्कर्स को वेज कमाकर फिर उसको एक्सचेंज नहीं करना होता था। सर प्लीज डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कॉर्पोरेट सिस्टम। ओके सो कॉर्पोरेशंस केम मच लेटर। कॉर्पोरेशंस कैपिटलिज्म के अंदर एक गवर्नमेंट क्रिएशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशंस, पर ये वैसे सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस ये है कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म पे हम कैसे स्विच करें, और क्या वो प्रोसेस नेचुरल था या नहीं था। अगर हम उसमें जाएंगे कॉर्पोरेटाइजेशन में, तो कई इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना है कि हमें कैपिटलिज्म सोशलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमीज को देखना ही नहीं चाहिए। जैसे एक बहुत ही प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, डीन बेकर उनका नाम है, वो कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमी ना फ्री मार्केट होती, फ्री मार्केट नाम की बेसिकली कोई चीज ही नहीं होती। सारे जितने भी मार्केट्स होते हैं दे आर गवर्न बाय रूल्स दैट आर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, एंड द क्वेश्चन इज कि वो रूल्स किसके इंटरेस्ट में बनने चाहिए। क्या वो इंटरेस्ट में बनने चाहिए कैपिटलिस्ट के, इन्वेस्टर्स के, या फिर वर्कर्स के हित में? तो कॉरपोरेशन, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉरपोरेशन बाय लॉ बनती है। आप ऐसा नहीं है, आप कोई बिजनेस चला रहे हो एज अ सोल प्रोपराइटर तो उसको कॉरपोरेशन नहीं कहा जाएगा। कॉरपोरेशन होगा जब आप अपने बिजनेस एंटरप्राइज को कंपनी लॉ के तहत रजिस्टर करवाएंगे, जिससे आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को आपकी कंपनी बस्ट हो जाती है और आपके क्रेडिटर्स होते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई पैसा निकालो, तो उस कॉरपोरेशन के नाम पर जो एसेट्स होंगे एट बेस्ट आप सिर्फ उसको लिक्विडेट कर सकते हो, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में आप इंसान के घर में भी घुस सकते हो और उसका जो पर्सनल एसेट्स है वो भी यूज कर सकते हो, पर कॉरपोरेशन के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस वॉज बेसिकली अ गिफ्ट विच वॉज हैंडेड ओवर बाय स्टेट टू कैपिटलिस्ट, ऐसे समझो आप इसको। तो आज अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग सीईओ के पे की बात करते हैं, आई एम डाइग्रेसिंग अ बिट बट सिंस यू आस्क्ड, सीईओ के पे की बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए इसके अंदर, विच इज सच अ फनी थॉट, क्योंकि कॉरपोरेशन गवर्न कैसे होगी? इसके रूल्स गवर्नमेंट ने सेट करे हैं, कॉरपोरेशन खुद गवर्नमेंट ने बना कर दिया है, लेकिन सीईओ पे के गवर्नेंस जो है वो गवर्नमेंट सेट नहीं कर सकती। तो ये ट्रिक यूज की जाती है, ट्रिकी लैंग्वेज टू से कि फ्री मार्केट होना चाहिए। उनका मतलब ये होता है फ्री मार्केट से कि गवर्नमेंट के रूल्स हमारे इंटरेस्ट में होने चाहिए, जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है।
और लेबरर्स का ये कहना है, वेज अर्नर्स का ये कहना है कि भाई नहीं, आप भी अपने लिए स्टेट यूज करते हो, हमें भी अपने लिए स्टेट यूज करनी है. तो दिस इज बेसिकली, खैर वो अलग चीज हो जाएगी. अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म, विच इज जो प्रोसेस हो रहा है 13th century, 14th century, यू नो 16th century, 17th century. तो कॉर्पोरेशंस केम मच लेटर. ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्पोरेशन ऑब्वियसली. तो अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, आई होप कि उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो, क्योंकि वो डिस्कशन अलग लेवल पे बैंडविड्थ पे चला जाता है. वहां पर फिर वो कहते हैं कि भाई कॉर्पोरेशन हमें देखना ही नहीं ऐसे फ्री मार्केट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के पर्सपेक्टिव से. बट इन एनी इवेंट चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो लॉर्ड के मेनर के अंदर जैसा कि मैंने बताया, कॉमनर्स को एक्सेस था लैंड करने का, कि भाई ये कॉमन लैंड होती थी, आप अपने वहां पर जानवर चराने के लिए छोड़ दो, आप वहां पर काम कर लो, उपज उगा लो. बस ये एक रिस्ट्रेंट था आपके ऊपर कि आपको अपनी प्रोड्यूस का एक हिस्सा लॉर्ड को देना है, या फिर आपको पैसे देने हैं, या रेंट देना है, या उसकी जमीन पर जाकर कुछ दिन जाकर काम करना है. पर आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि देना ही है, वो तो आप करोगे प्रोड्यूस तब दोगे ना. नहीं कर रहा मन आज प्रोड्यूस करने का, नहीं दे रहे. तो यहां पर लिखा है कि सिंस सर्व्स वर नॉट ड्रिवन बाय द नीड टू अर्न वेजेस फॉर सर्वाइवल, इट वॉज लॉर्ड्स एबिलिटी टू यूज फोर्स that kept peasants from retaining all the benefits of their labor or escaping their servitude altogether. Basically, जो लोग लॉर्ड की एस्टेट से बंधे हुए होते थे, वहां पर काम करते थे, वो छोड़ के नहीं जा सकते थे बिना लॉर्ड की परमिशन से. तो एक तरीके का सर्विट्यूड था वहां पर. और लॉर्ड क्योंकि फोर्स यूज कर सकता था, तो वो बाकी अपना सारा प्रोड्यूस अपने पास नहीं रख सकता था जो सर्फ होता था. और बिकॉज द लॉर्ड्स वेल्थ रिलाइड ऑन कोअर्शन, इट एनकरेज्ड इन्वेस्टमेंट इन वेपन्स एंड वॉरफेयर rather than in developing productive innovations or improving the welfare of the serfs. मार धाड़ का जमाना था ऑब्वियसली, कौन को इसका जमाना होता था, किसी ने किस पे हमला कर दिया, किसी ने किस पे हमला कर दिया. अब सवाल यह है कि यह सिस्टम चला आ रहा था, कई सौ साल फ्यूडलिज्म चला, तो यह कोलैप्स कैसे कर गया. तो एक स्कॉलर हुए, मार्क्स स्कॉलर, जिनका नाम था मॉरिस डॉब, उनका यह कहना था कि फ्यूडलिज्म कोलैप्स कर गया ड्यू टू इंटरनल reasons एंड contradictions. मतलब feudalism के within एक ऐसा fault था या faults थे जिसकी वजह से feudalism को collapse होना पड़ गया. इसमें कारण वो क्या बताते हैं कि भाई ruling class को ज्यादा revenue चाहिए होता था, क्योंकि उनका कहना था ruling class की population बढ़ रही थी, nobles की और इन सब की, तो उनको ज्यादा revenue चाहिए था. जो रूलिंग क्लास थी वो एक्स्ट्रावेगेंट चीजों पे भी खर्च करने लग गई थी, उटपटांग की चीजों पे, जस्ट टू डिस्प्ले कि हम कितने महान हैं, बड़े हैं. वॉर्स वेज करनी होती थी उनको, कभी कहीं हमला करना है, कभी कहीं हमला करना है, तो ऑब्वियसली दे नीडेड इंक्रीज रेवेन्यू, और उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज थी. इनएफिशियंट था सिस्टम, और रूलिंग क्लास की इस वजह से इतनी, रूलिंग क्लास ने इस वजह से इतनी एक्सप्लॉयटेशन करी सर्स की कि वो थक गए, भाग गए, और वो लेबर फोर्स का पार्ट हो गए, और फ्यूडलिज्म जो है वो डिसॉल्व हो गया. ये मॉरिस डॉब का मानना है. अब इसका क्रिटिसिज्म किया है पॉल स्वीजी ने, और मैं रेकमेंड करूंगा आप सब उसको पढ़ें, जो ओरिजिनल वर्क है मॉरिस डॉब का, उसको रिव्यू करा था पॉल स्वीजी ने, एंड आई साइड विद पॉल स्वीजी ऑन दिस. और उन्होंने वहां पर काफी अच्छे आर्ग्यूमेंट्स यूज करके शो करा है कि फ्यूडलिज्म कोलैप्स ड्यू टू रीजंस एक्सटर्नल टू द सिस्टम. और वो रीजन क्या थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूडलिज्म में प्रोडक्शन होता था यूज के लिए, यूज के लिए लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे ट्रेड ग्रो हुई, अब ट्रेड तो यूज के लिए नहीं होती, ट्रेड तो एक्सचेंज के लिए होती है. हमें मार्केट में अगर कहीं जाना है तो हमें अपना सामान एक्सचेंज करना है, बेसिकली मनी में कन्वर्ट करना है. ऑब्वियसली जो खरीदेगा वो भी शायद उसको यूज ना करे, वो भी आगे बेचे उसको. तो ट्रेड जब ओवर ग्रो हुई तो उन्होंने फ्यूडल स्ट्रक्चर को ओवरवेल्म कर दिया. अब ये कैसे करा, ये सब आपको डिटेल में अगर आप पॉल स्वीजी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. यहां पर अगर हम बात करने लग जाएंगे तो पता नहीं कितने घंटों की बात हो जाएगी. टाउन्स बढ़ने लगे थे, जिससे कि मेनोरियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खत्म होने लगा, क्योंकि टाउन्स का रिक्वायरमेंट ये था कि भाई मोबाइल हो लेबर. लेकिन फ्यूडलिज्म में क्या था, लेबर मूव ही नहीं कर सकता, एस्टेट से बंधा हुआ है, वो प्रोड्यूस कर रहा है लॉर्ड के लिए, और लॉर्ड की जबरदस्ती चल रही है वहां पर. टाउन में ये सब नहीं है. तो टाउन का जैसे जैसे ग्रोथ हुआ, वैसे वैसे मेनोरियल सिस्टम कोलैप्स कर गया. और फ्यूडल लॉर्ड्स को भी ये लगा कि भाई ज्यादा फायदा तो इसमें, हमने लैंड पे मान लो किसी को रख रखा है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसको निकाल सकते हैं.
अगर सर्स नहीं जा सकते लैंड से हमारी परमिशन के बिना, तो हम भी ऐसे अब्रप्टली नहीं निकाल सकते किसी को, हमारी भी ऑब्लिगेशन है, म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। लेकिन फ्यूडल लॉर्ड्स को दिखा कि जैसे मान लो अगर जमीन है हमारी, हम जिस मर्जी को रखे जब मर्जी निकाल दे, इससे बढ़िया तो फ्रीडम ही कोई नहीं है। तो फ्यूडल लॉर्ड्स को भी कमोडिटी प्रोडक्शन में फायदा दिखा कि भाई एक्सचेंज वैल्यू अगर कर रहे हैं इससे प्रॉफिट आ रहा है, तभी तो चीज चल रही है, तभी फैल रही है, हमें भी ये करना चाहिए। तो मार्केट ड्रिवन प्रोडक्शन में वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो कैपिटलिज्म फिर इमर्ज कैसे हुआ? ये सब घटनाक्रम जब चल रहा था इंग्लैंड में कि भाई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, इंटरनल फैक्टर्स भी है, तो फ्यूडलिज्म में क्रैक आने लगा और कैपिटलिज्म इसको रिप्लेस करने लगा। और ऐसा नहीं हुआ था कैपिटलिज्म में एक बारी में आया और बस खत्म हो गई फतेह, फ्यूडलिज्म खत्म। काफी सेंचुरीज का स्ट्रगल था ये। कहीं पर इमर्ज होता था कैपिटलिज्म, कोलैप्स कर जाता था, फिर इमर्ज होता था दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, ऐसे। तो इंग्लैंड में कैपिटलिज्म इमर्ज होता है थ्रू एनक्लोजर मूवमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि फ्यूडलिज्म के अंदर कॉमन लैंड होती थी जिसमें कॉमनर्स जो थे उनके पास राइट था उसको ग्रेज करने का, अपने एनिमल वहां पर छोड़ने का या फार्मिंग करने का। लेकिन एनक्लोजर मूवमेंट में क्या हुआ, जो कॉमन लैंड थी उसको कॉन्फिस्केट कर दिया गया और उसको प्राइवेटली ओन प्लॉट्स बना दिए गए ओवर सेवरल सेंचुरीज। कई बार कंपनसेशन दिया जाता था नाम में, कई बार नहीं दिया जाता था, ज्यादातर छीन लिया जाता था। आफ्टर ऑल कंपनसेशन किसको देंगे, कॉमनली ओन था, सब यूज करते हैं। अब एक बंदे ने बोलना चालू कर दिया भाई ये एरिया मेरा हो गया अब से कॉमन लैंड, उसको प्राइवेटली ओन प्लॉट्स बना दिए। तो अब सोचो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर्स पे, वो तो रिलाय उस पे कर रहे हैं, उनके पास लैंड का एक्सेस है, टूल का एक्सेस है, तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना काम चल रहा है, चलो भाई लॉर्ड आया लेने, थोड़ा उसको दे दिया हिस्सा। लेकिन यहाँ तो उसके पास अब एक्सेस ही नहीं बचा लैंड का, ना ही टूल्स का जो वो यूज कर रहा था फार्मिंग के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए एनिमल्स को। इससे क्या हुआ, लैंड ओनरशिप जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई कुछ लोगों के हाथ में, और जो बाकी लोग थे जो रिलाय करते थे इस कॉमन लैंड में, उनके पास कोई जरिया नहीं बचा अपने आप को सस्टेन करने का। एज अ रिजल्ट लार्ज पॉपुलेशन लॉस्ट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दे बिकम रिलायंट ऑन अदर्स फॉर सर्वाइवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूडलिज्म में वंस अगेन आई एम स्ट्रेसिंग क्या सिस्टम था कि भाई आपके पास लैंड का एक्सेस है, रिस्ट्रिक्शंस थी ऑब्वियसली, अगर आपको मैरी करना तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा लॉर्ड से, अगर आप छोड़कर जा रहे हो एस्टेट को तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा लॉर्ड से। लेकिन बेसिकली आपके पास टूल्स का एक्सेस था, लैंड का एक्सेस था, आप अपना प्रोड्यूस बनाते थे वो आपका था, उसमें से एक हिस्सा फोर्स से ले आता था लॉर्ड। पर अब आप ऐसे ही छोड़ दिए गए हो, ना आप पे लैंड का एक्सेस है, ना आप पर टूल्स का इक्विपमेंट का एक्सेस है। अब आपको बोला जाए आप फ्री हो, आप आजाद हो, मतलब यहां पर आप समझिए कॉन्टेक्स्ट कितना मैटर करता है। जिस इंसान के पास प्रॉपर्टी है और वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता अब किसी का इंटरवेंशन हो, इट मेक्स सेंस फॉर हिम। पर जिसके पास कुछ भी नहीं बचा उसको अगर आप बोल रहे हो कि भाई आज से आप आजाद हो, ठीक है सेलिब्रेट करो अपनी इस आजादी को, इट मेक्स नो सेंस फॉर दैट पर्सन। और इसके बहुत ही डैमेजिंग इंपैक्ट हुए, जबरन निकाला गया एनक्लोजर से, जिससे पेजेंट्स जो थे वो लैंडलेस हो गए और वो कंट्री साइड में इधर उधर भटकने लगे लाइवलीहुड के लिए। इंग्लिश फार्मर और जर्नलिस्ट जो थे उस टाइम के, विलियम कॉबेट, उन्होंने रिपोर्ट करा ऑन द हार्श कंडीशंस कॉज्ड बाय एनक्लोजर्स, डिस्क्राइबिंग डिस्प्लेस्ड पीपल एज कोट रैग्ड एज कोल्ड्स एंड पेल एज एशेस। ठीक है, समृद्धि पूछती है इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ हिंट ऑफ, कैन समवन रीड मी, ओके वेट लेट मी चेक इन द चैट, इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देयर इज अ हिंट ऑफ फ्यूडलिज्म एज वेल। So David Graeber has written about his work on bullshit jobs. In the workplace, there is definitely some sort of manager feudalism going on with plenty of white collar jobs that serve no actual purpose but are highly prestigious. ये तो बहुत अच्छा suggestion है। I am actually familiar with David Graeber, और लेकिन मैं उनके works को अभी मैंने detail में नहीं पढ़ा है। Recently Yanis Varoufakis ने भी argue करा था कि भाई हम techno feudalism में चल रहे हैं, वो modern discussions है। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर फोकस क्या है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस कैसे इमर्ज हो रहा है, कि हम कहाँ थे और कहाँ आए, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्या कैपिटलिज्म नेचुरली ओरिजिनेट हुआ है, क्या इज इट नेचुरल टू अस कि भाई हम उठे, हम नौकरी पे जाए किसी के यहाँ पर, हमें पैसा मिले और अपना खाए पिए मस्त रहे, इज दिस द नेचुरल स्टेट ऑफ बींग। ये हमारा मेन कंसर्न है। और वेस्ट स्लेवरी अराइव कैसे हुई, सो थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस, आई विल डेफिनेटली रीड इट।
तो अभी वापस आते हैं अपने टॉपिक पे. कॉर्बेट ऑब्जर्व करते हैं वन कोल्ड नवंबर डे को कि देयर ब्लू आर्म्स एंड लिप्स वुड हैव मेड एनी हार्ट एक बट दैट ऑफ अ सेट सेलर और अ लोन जॉबर. द नेक्स्ट डे ही विटनेस्ड अनदर विलेज वेयर लेबरर्स लिव्ड इन डायर पॉवर्टी. और वहां पर क्या बोल रहा है, देयर ड्वेलिंग्स आर लिटर बेटर देन पिग बेड्स एंड देयर लुक्स इंडिकेट दैट देयर फूड इज नॉट नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ पिग. ये हालत हो गई थी एनक्लोजर मूवमेंट के दौरान, which of course happened during centuries. He described the scene of villagers digging up small potato plots during a frost, concluding, "In my whole life, I never saw human wretchedness equal to this." ये हाल हो रहा है अभी enclosure movements और capitalism के emergence में. जैसा कि मैंने बताया कि as long as peasants had some economic independence, their obligation to feudal lords were clear. कि भाई उनको कुछ देना होता था, उनको लैंड ओनर्स को फिजिकली एक्सट्रैक्ट करना है हार्वेस्ट में से कुछ पोर्शन. लेकिन फ्रीडम और डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने से, सो कॉल्ड फ्रीडम और डेमोक्रेसी, कि भाई आपका लैंड से एक्सेस चला गया, अब आप फ्री हो. लैंडलेस लेबरर्स वर कोट फ्री टू सेल देयर लेबर. सॉरी, एक तो मेरे को आई हैव लॉस्ट माई टच विद इंग्लिश सो मच, मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, सो प्लीज फॉरगिव माई यू नो प्रोनाउंसिएशन और जो मेरी फ्लुएंसी नहीं रही. To sell their labor or risk starvation. कि भाई या तो आप किसी के मजदूर बन जाओ या भूखे पेट मर जाओ, ये choice है. Now is that choice really free? एक बहुत ही famous think tank है Foundation for Economic Education, और उन्होंने एक meme create करा कि भाई socialist से एक बंदा, socialist से capitalist से पूछ रहा है कि do you mean कि capitalist society में मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. और वो जवाब दे रहा है, या दैट्स व्हाट फ्रीडम लुक्स लाइक. तो बेसिकली उनका मैसेज ये था, फी ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर आप यू नो अगर आप डू नथिंग रास्कल हो, यू आर ओड नथिंग. बट फी डिडंट रियलाइज कि एक चॉइस, जहां पर आपके पास चॉइस है कि भाई या तो आप काम करो या आप मर जाओ, दैट इजंट रियली अ चॉइस. अगर आप, मैं रास्ते में आपको रोक लूं और कहूं भाई नाव निकालो अपना बटुआ, नहीं तो मैं गन से आपको उड़ा दूंगा, आई डोंट थिंक दैट्स रियली अ फ्री चॉइस. लेकिन यही लैंग्वेज कंसिस्टेंटली यूज होती है कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा में. तो यहां पर हम बात कर रहे थे अभी किसकी, हाँ, तो मार्क्स ने कैरेक्टराइज करा वेस्ट स्लेवरी को, द रोमन स्लेव वॉज हेल्ड बाय चेन्स, द वेज लेबरर इज बाउंड टू हिज ओनर बाय इनविजिबल थ्रेड. कि भाई रोमन स्लेव को चेन से होल्ड करते थे, लेकिन वेज लेबरर वो इनविजिबल थ्रेड से बंधा हुआ है. क्योंकि आप देखोगे स्टारवेशन का जो थ्रेट है ये इतना विजिबल नहीं है चेन की तरह कि भाई चेन से बांध रखा है, पर सिंपल है, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपकी लाइफ एकदम पथेटिक हो जाएगी अगर आप दूसरों के लिए काम नहीं करोगे. तो ये इनविजिबल थ्रेड है जिससे टाइड हो रखा है बंदा. तो मार्क्स आर्ग्यूड दैट शिफ्ट फ्रॉम फ्यूडल एक्सप्लोइटेशन टू कैपिटलिस्ट एक्सप्लोइटेशन मार्क द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्कर्स सर्विट्यूड. सर्विट्यूड का फॉर्म चेंज हो गया, वहां पर लॉर्ड जबरदस्ती ले आता था, यहां पर आप स्टार्व हो जाओगे नहीं तो काम करो. अब मैन्युफैक्चरिंग को अगर प्रोग्रेस करना है तो हमें ऑब्वियसली दो क्लास चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास चाहिए और क्लास ऑफ लेबरर्स चाहिए, जिनको जब मर्जी हम इंप्लॉय कर सके और जब मर्जी हम काम से निकाल सके. दीज लेबरर्स हैड टू बी डबली फ्री एज डिस्क्राइब्ड बाय मार्क्स, फ्री फ्रॉम सर्वडम फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड फ्री फ्रॉम लैंड एंड मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन सस्टेनेंस. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और इस कंडीशन ने अलाउ करा उनको to be disciplined into accepting wage labor. Marx ne bola, for the transformation of money into capital, the owner of money must find the free worker available on the commodity market. Kyunki socho agar serfs tied hai aapke lord ki estate se, to wo kaise aayega aapki factory pe kaam karne? To free hona chahiye wo, free matlab uske paas koi access nahi hona chahiye land se ya tool se equipment se. तो फ्री वर्कर मस्ट बी एबल टू सेल देयर कमोडिटी एज कमोडिटी, लेबर एज कमोडिटी, एंड मस्ट हैव नो अदर मींस टू सपोर्ट देमसेल्व्स. अब गिवन दैट पेजेंट्स को ऑब्वियसली उनके लाइवलीहुड से हटा दिया गया था, नकार दिया गया था, और मैन्युफैक्चरिंग अभी नेसेंट स्टेज पे ही थी, इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो ये जितने लोग डिस्प्लेस हुए थे ये अब्सॉर्ब नहीं हो पाए नए सिस्टम में. तो क्योंकि वो नए सिस्टम में अब्सॉर्ब नहीं हो पाए, उन्हें देखा कि भाई ये न्यू वे ऑफ लाइफ से हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा. तो उनमें अधिकतर लोग या तो बैगर्स बन गए या वेगाबॉन्ड्स हो गए, इधर उधर जो घूमते रहते हैं लोग ह्यूज नंबर्स में. और अब आप देखो कितना नेचुरल था
कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये क्या लॉस थे? तो इंग्लैंड में एक लॉ है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंटाइटल्ड वॉलेंट्री क्रिमिनल्स इन 1530। ये हमें मिलता है मार्क्स की कैपिटल में, जो कैपिटल मैग्नम ओपस है उसमें ही कोट्स। तो वहां पर क्या लिखा गया लॉ में, नोट करो, व्हिपिंग एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर स्टर्डी वेगाबॉन्ड्स, दे आर टू बी टाइड टू कार्ट टेल एंड व्हिप्ड अंटिल द ब्लड स्ट्रीम्स फ्रॉम देयर बॉडीज, देन दे आर टू स्वेयर एन ओथ to go back to their birthplace or to where they have lived the last 3 years and to put themselves to labor. For the second arrest for vagabondage, the whipping is to be repeated and half of the ear sliced off. Kaan kaatne ki baat ho rahi hai yahan par. But for the third relapse, the offender is to be executed as a hardened criminal and enemy of the common weal. Just imagine that. Aaj ke time par aisa kanun ho koi sa. I mean, we will be horrified. ये क्या चल रहा है? But that was what the law was. कि हमें आइडल छोड़ना ही नहीं। अगर लोग एस्टेट से निकाले जा चुके हैं, अगर एनक्लोजर हो गया लैंड का, उनके पास कुछ नहीं है और वो खाली है, तो उनको खाली भी नहीं बैठने देना। अगर वो स्टार्व भी हो रहे हैं, बेगिंग से अपना जीवन अर्न करना चाहते हैं, तो वो चॉइस भी नहीं हमें देनी। They are offenders. दूसरी बारी अगर ऐसा पाएगा उनका कान काट देंगे, तीसरी बारी में उन्हें जान से मार देंगे। क्यों? क्योंकि वो एनिमी ऑफ द कॉमन वील, दिस इज द लॉ। और एग्जांपल देखिए, 1947 में स्टैट्यूट्स कॉमन कंडेम्ड आइडलर्स इन दीज वर्ड्स, इफ इट हैपेंस दैट अ वैगाबॉन्ड हैज बीन आइडलिंग फॉर अबाउट 3 डेज, ही इज टू बी टेकन टू हिज बर्थ प्लेस ब्रांडेड विद अ रेड हॉट आयरन विद द लेटर वी ऑन देयर ब्रेस्ट and set to work in chains on the roads or at some other labor. If the vagabond gives a false birthplace, he is then to become the slave for life of that place, of its inhabitants or its corporation, and to be branded with an S. All persons who have the right to take away the children of vagabonds, sorry, all persons have the right to take away the children of vagabonds and keep them as apprentices. मतलब उनके बच्चे उठाने का राइट है आपके पास, ले जाओ और उनको काम पर रख लो। द यंग मैन अंटिल दे आर 24 एंड द गर्ल्स अंटिल दे आर 20, इफ दे रन अवे दे आर टू बिकम अंटिल दे रीच दीज एजेस द स्लेव्स ऑफ देयर मास्टर्स हु कैन पुट देम इन आयरन्स विप देम एटसेट्रा इफ दे लाइक। ये नेचुरल खेल चल रहा है जी कैपिटलिज्म का। 1572 का स्टैट्यूट देखो, unlicensed beggars above 14 years of age are to be severely flogged, कोड़े बरसाओ उन पे, and branded on the left ear unless someone will take them into service for 2 years. In case of a repetition of the offense, if they are over 18, they are to be executed unless someone will take them into service for 2 years. But for the third offense, they are to be executed without mercy as felons. James 1, जो मोनार्क हुए उनका देख लो, anyone wandering about and begging is declared a rogue and a vagabond. Justices are authorized to have them publicly whipped and to imprison them for 6 months for the first offense and 2 years for the second. While in prisons, they are to be whipped as much as often as the justices of the peace think fit. If they are caught begging again, to be executed without mercy. मतलब जस्ट इमेजिन दिस हैपनिंग इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। आज हम बात करते हैं किसकी, कि भाई अगर कोई गरीब है उनको राशन पानी मिलना चाहिए, ऑब्वियसली इट्स देयर राइट टू लिव, उनको एम्प्लॉयमेंट का जुगाड़ करना चाहिए सरकार को। लेकिन इमेजिन गवर्नमेंट सेइंग कि अगर कोई भूखा उसको मार दो, जस्ट इमेजिन दैट, दिस वॉज द डिस्कोर्स। फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा है, कैपिटलिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ही करना है। तो जैसा कि मार्क्स बहुत ही एप्टली नोट करता है, Thus were the agricultural folk first forcibly expropriated from the soil, driven from their homes, turned into vagabonds, and then whipped, branded, and tortured by grotesquely terroristic laws into accepting the discipline necessary for the system of wage labor. पहले आपने agricultural folks को उनकी जमीन से हटा दिया जो वो यूज करते थे, उनको उनके घर से निकाल दिया, वो वेगाबॉन्ड्स हो गए, और फिर वेगाबॉन्ड्स भी ना रहे, वो उनको मार पीट के, ठोक पीट के, टेररिस्टिक लॉस से
उनको वेज लेबर का डिसिप्लिन का आदि बनाया गया. दे हैड टू बी डिसिप्लिन्ड इनटू दिस. समृद्धि का कह रही है, वेल विद रैम्पेंट फायरिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, व्हाट कैन वी से, कॉर्पोरेट्स बेनिफिट फ्रॉम वर्कर्स, फॉर एग्जांपल टैक्स बेनिफिट्स, द डीपर वी गो द डार्कर इट गेट्स. फंक्शनली प्लेंटी ऑफ वर्कर्स आर नॉट नीडेड, बट ऑपरेशनली दे आर रिक्वायर्ड फॉर कॉर्पोरेट, सो दैट दे कैन स्टैश देयर मनी एज मच एज दे कैन. यस, वेल आई एग्री विद दिस. लेकिन आज तो फिर भी हम काफी सिविलाइज कॉन्टेक्स्ट में है. ऐसा नहीं होता कि भाई कोई बंदा अगर वेगा बॉन्ड है तो उसको लोहे के गरम गरम जलते हुए उससे उसकी चेस्ट पे लेटर वी बना दिया जाए, उसके कान काट दिए जाए, और तीसरी बारी मिले तो उसको जान से मार दिया जाए, और ये मेन स्ट्रीम लॉ हो, कंट्री का लॉ हो. आज तो फिर भी ये चीजें ढकी छुपे होती है. अगर पब्लिकली बात आती भी है तो लोग दुनिया भर की गालियां देते हैं, और अगर होती भी है घटनाएं तो शांति से की जाती है. लेकिन यहां तो खुलेआम चल रहा है. जैसा कि मार्क्स ने कहा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो लोग कहते हैं कैपिटलिज्म नेचुरली आ गया बस समाज में और वॉलंटरी ट्रेड चल रहा है, अरे भाई पहले आपने एग्रीकल्चर फोक्स को उनकी जमीन से हटाया, अब वो खाली हो गए तो वो घूम रहे इधर उधर वेगा बॉन्ड्स की तरह, बैगर बन गए, तो वो भी आपको बर्दाश्त नहीं है. आपका कैपिटलिज्म इतना एफिशिएंट नहीं है कि आप उनको प्रोवाइड कर सको. आप क्या कह रहे हो, मार पीट के ठोक पीट के सीधा कर दो इनको, ताकि ये आ जाए वेज लेबर के सिस्टम में. तो ओवर टाइम क्या हुआ कि भाई कैपिटलिज्म का डायनेमिक्स जब सेंचुरी दर सेंचुरीज, यहाँ तो ईयर बाय ईयर में इतना चेंज आ जाता है, मतलब कुत्ते को भी अगर ट्रेन करो आप 2-4 महीने में उसका व्यवहार बदल जाता है. हम भी एक स्पीशीज का पार्ट है, एनिमल किंगडम का पार्ट है. साल दर साल, साल दर साल, दशकों बाय दशक, और कई सेंचुरीज तक ये चल रहा है इंसान के साथ. फिर वो अकस्टम्ड हो जाता है इन सब चीजों से, और फिर वो उसको लगने लगता है ये तो नेचुरल लॉ है, ऐसी तो होता चीज है. तो जैसा कि मार्क्स बोलता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वंस इट इज फुली डेवलप्ड ब्रेक्स डाउन ऑल रेजिस्टेंस. द साइलेंट कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस सेट्स द सील ऑन द डोमिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट ओवर द वर्कर. जैसा कि अभी समृद्धि ने कहा, अब इनको लॉ की जरूरत नहीं है जो रूलिंग एलीट है, अब वो साइलेंटली कंडीशंस ऐसे गवर्न कर रखे कि भाई हम कर सकते हैं, हमें कहने की जरूरत भी ना पड़े लॉ की. तो हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं. और आम इंसान से अगर आप लेमैन से जाकर पूछोगे तो उसको आइडिया ही नहीं है इन सब बातों का. वो रैशनलाइज करेगा इसको, जो ऑलरेडी नौकरी में, हाँ यार काम नहीं करते होंगे इसलिए निकाल दिया उनको, किसी ने ठेका थोड़ी ले रखा है किसी का, हमने थोड़ी किसी का लेके खा रखा है. काम करो कमाओ अपना, ऐसी तो चलती है दुनिया. वी हैव टू सी कि प्रॉपर्टी इंडिविजुअल कैसे कमा रहा है. जो लोग इंटरेस्ट इनकम से कमा रहे हैं, डिविडेंड इनकम से कमा रहे हैं, वो क्या वर्क कर रहे हैं, रेंटल इनकम से कमा रहे हैं, वट एग्जैक्टली आर दे वर्किंग. वो अपने पैसे के बल पर आपको वर्क करा रहे हैं, और आपने जो काम किया उसमें से आपकी जो वर्थ है आपको उतना कभी मिलेगा ही नहीं. मतलब ये तो बच्चे जब कॉलेज जाते हैं उनको बड़ा शौक होता है कि यार हमारी प्लेसमेंट लगेगी 10 लाख पर एनम, हम जाएंगे TCS जाएंगे 10 लाख पर एनम पे, 14 लाख पर एनम, 20 लाख पर एनम, और ये एक्साइटमेंट होती है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमने मेहनत करी अब हमें रिवॉर्ड मिलेगा. लेकिन जब कंपनी में जाते हैं तो पता चलता है कि मेरे को मिल तो 10-20 लाख रुपए रहे हैं, पर मैं तो कंपनी को 2-3 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मिल तो मुझे इतने नहीं रहे. तो कई लोग फिर थोड़ा पैसे इकट्ठा होने के बाद छोड़ भी देते हैं इसीलिए कंपनी को, और फिर आपको रियलाइज होता है कि इतनी मोटी मोटी सैलरीज लेने के बाद भी उनको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि 1/10, 1/20, 1/50 जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको उतना उनको हिस्सा मिल रहा है. सो बाय नाउ इट शुड बी क्लियर कि अर्ली कैपिटलिज्म रिलाइड हेविली ऑन द स्टेट टू एनफोर्स द विल ऑफ द बुर्जुआ. बुर्जुआ माने कैपिटलिस्ट मोटा मोटा. और आज भी जैसा कि समृद्धि ने पॉइंट आउट करा, कैपिटलिज्म डिपेंड्स ऑन द स्टेट एंड द थ्रेट ऑफ वायलेंस टू मेंटेन ऑर्डर. इसके ऊपर डिटेल में अगर कोई चाहे तो मेरा पेज प्योर इकोनॉमिक्स, उसमें पिंड वीडियो है, इस टैक्सेशन थेफ्ट वो देख सकता है. इसमें मैं डिटेल में गया हूँ उसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर. तो कैपिटलिज्म आज के टाइम पर क्या बन गया, प्राइमरली कंप्लायंस एनफोर्स करते हैं थ्रू साइलेंट कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक नेसेसिटी. और भी देखो, स्टेट और भी क्या रूल्स इसके लिए बनाती है, नॉन कंपीट एग्रीमेंट, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट. मतलब फ्री मार्केट का फाउंडेशन क्या है, कॉम्पिटिशन. आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहे हो कि आप कंपीट ही नहीं कर सकते, नॉन कंपीट एग्रीमेंट.
और यू अगर आप यहां बोलोगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहां तो आदत है लोगों को स्टेटस को जस्टिफाई करने की. यूएस में दे आर सेइंग लेट्स अबॉलिश इट. ये जो आपके नॉन कंपीट एग्रीमेंट होते हैं कि आपने मेरे यहां काम कर लिया, दूसरे के यहां नहीं कर सकते. क्यों? इससे तो आप वर्कर की बार्गेनिंग पावर और कम कर रहे हो. आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, कंपनी जब मर्जी फायर कर दे आपको. लॉज ऐसे होने चाहिए कि अगर कंपनी फायर करे तो 3 महीने का नोटिस पीरियड, और अगर इंप्लॉय छोड़कर जाए तो 2 दिन का नोटिस पीरियड. देखो बार्गेनिंग पावर कैसे शिफ्ट करती है वर्कर्स की. पर वो स्टेट इंटरवेंशन हो जाएगा. लेकिन अब वही अगर स्टेट कहेगी कि नहीं, लॉज फ्रेम करेगी कैपिटलिस्ट के फेवर में, तो वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है. दैट्स द नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स. ये ट्रिक हमें समझनी पड़ेगी. तो हम एंड पे रीच कर गए हैं अपनी प्रेजेंटेशन के. तो जो भी आपसे कहे कि कैपिटलिज्म नेचुरल है टू ह्यूमंस, मेक श्योर यू लाफ इन देयर फेस, एंड आफ्टर यू आर डन लाफिंग एक्सप्लेन देम दिस हिस्ट्री, और उन्हें बोलो कि वो प्योर इकोनॉमिक्स इंस्टाग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करें. तो अगर कोई चाहे रेफरेंसेस और फर्दर रीडिंग्स, तो ये मैंने लगा दिया है यहाँ पर. बहुत हैविली मैंने अपने प्रेजेंटेशन के लिए रिलाय करा है हादास थियर की किताब पीपल्स गाइड टू कैपिटलिज्म एंड इंट्रोडक्शन टू मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स. मैंने मॉरिस जॉब और पॉल स्विजी से भी उठाया है कॉन्टेंट, और उसके बाद आप ये सब भी रीडिंग्स एक्सटेंडेड पढ़ सकते हैं फॉर योर एडिफिकेशन. सो आई थिंक आई एम डन नाउ एंड आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन. Thank you, sir, for that insightful presentation. I hope everyone found this session as enlightening as I did. It's essential to engage with these crucial discussions as and your and everyone of your participation made it very more valuable. So if you have any questions, any of you have any questions, you can raise your hand or put it in the chat box. So capitalism devolved into a time of monetarized feudalism. Now this is a topic of debate, topic of contention. Some will agree with this, some will not. जो traditional Marxist है वो तो आपको सीधा बोलेंगे कि भैया capitalism के बाद आएगा socialism. वो अपने doctrinaire उस पर अड़े हुए हैं आज भी. तो कई लोगों का कहना है कि भाई participatory socialism आएगा, कई लोगों का कहना है कि भाई full fledged socialism आएगा, state ही खत्म हो जाएगी. ये सब पंडित्री है कि भाई ये तो बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने वाली बात है कि मेरे पास क्रिस्टल बॉल है मेरे हाथ में और मैं तो कह रहा हूं अब क्या आएगा. 2018 में आम जनता को ये नहीं होश कि कोविड आएगा नहीं आएगा, जो पूरा डिस्टर्ब कर देगा पूरे समाज को. सो पर्सनली आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस मेटा एनालिसिस करना और ऐसा बोलना कि भाई इसके बाद ये आएगा वो आएगा, इससे जो आपके पास्ट के इनसाइट्स है उसको भी लोग डिस्काउंट करते हैं. जैसे मार्क्स इज रिच इन इनसाइट्स, लेकिन जो उसने फ्यूचर प्रेडिक्शंस करी लोग उस पर मजाक उड़ाते हैं कि भाई इसने कहा था ऐसा होगा ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा होगा ऐसा तो नहीं हुआ. अब ऐसा होगा और ऐसा हुआ नहीं हुआ, मैं तो किसी भी एक व्यक्ति को नहीं जानता जिसकी प्रेडिक्शन मतलब फुल ऑन 100% जो है ठीक आई हो. नॉम चोम्स्की को भी एक बार ये बात पूछी गई थी कि भाई आगे क्या आएगा, उसने कहा मेरे पास कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है क्या आएगा. मैं बिलीव करता हूं कि लोगों को इतिहास देखना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए और अपने हाथों में मैटर्स को लेना चाहिए. जब लोगों के हाथ में कम पावर थी तो ऐसे कानून चलते थे कि भाई वैगाबॉन्ड्स देखिए यहाँ पर उनके साथ ऐसी ऐसी जागतियां करो, उनको जबरदस्ती वेज लेबर पर बनाओ. लेकिन उसके बाद धीमे धीमे लोगों के हाथ में ताकत आई, क्षमता आई, वी हैड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. इकोनॉमिक स्फीयर में वी आर नॉट स्टिल डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स भी लार्जली अंडरमाइंड है, जैसा कि हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के केस में कि भाई जब पैसे वाले लोग देंगे पॉलिटिशियंस को पैसा तो वो पॉलिसीज भी उनके हिसाब से बनाएंगे. लेकिन आई थिंक अगर पब्लिक जागरूक हो और पार्टिसिपेटरी हो तो दे कैन सिक्योर मोर राइट्स फॉर देमसेल्व्स. और उसके बाद आगे जो बनेगा लेट इट बी द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. दिस इज माय व्यू. सो अनिमेश इज सेइंग कैपिटलिज्म कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म आर नॉट परफेक्ट सिस्टम्स. इन कैपिटलिज्म देयर इज फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड वेरियस ऑप्शंस, इन कम्युनिज्म देयर आर नो इलेक्शंस, सोशलिज्म is a middle path but often struggles to access. तो देखिए यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा डिफर करूंगा अनिमेश. कैपिटलिज्म में आपने बोला फ्रीडम ऑफ चॉइस है. यस, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर दोज हु हैव प्रॉपर्टी, फॉर दोज हु डोंट दे डोंट हैव एनी चॉइस. अगर मेरे पास
मान लीजिए हेल्थ इमरजेंसी है, मेरे पास नहीं है पैसे, आप कह सकते हो कि भाई यू आर फ्री टू यू नो सिक्योर हैव अ प्राइवेट इंश्योरेंस, ठीक है, या फिर आप लाखों रुपए दे दो हॉस्पिटल में या फिर मर जाओ, सिंपल चॉइस है। तो और वीकेंस है कि भाई नहीं, स्टेट को सबको इंश्योर कर देना चाहिए, जैसे आयुष्मान भारत एक स्कीम है, ESI एक स्कीम है, ऐसे अलग अलग स्कीम्स हैं, तो वो है। तो क्या ये जो चॉइस है, अगर हम पब्लिक इंश्योरेंस कर दे लोगों का सब्सिडाइज, या फिर पब्लिक एजुकेशन कर दे, सो इज दैट कैपिटलिज्म? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो लोग अपने आप को कैपिटलिस्ट बोलते हैं, दे आर वेरी अनॉयड बाय द फैक्ट दैट पीपल आर वायलेटिंग देयर प्रॉपर्टी राइट्स। उनके प्रॉपर्टी राइट्स कहां से आए, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। लेकिन अब जो हो गए वो फाइनल है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया वो फाइनल है। अब जो बीच में अड़ंगी देगा वो चॉइस को वायलेट कर रहा है, वो फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, वो सब चीजों को वायलेट कर रहा है। तो अगर किसी के पास 10 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो उसके पास चॉइस है, उसकी संपत्ति है, बाकियों की नहीं है। जहां तक कम्युनिज्म का आपने मेंशन करा, तो देखिए कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो स्टेट में बिलीव ही नहीं करती। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कम्युनिज्म डज नॉट बिलीव इन अ स्टेट एट ऑल। ना तो क्वेश्चन इज कि भाई सोवियत यूनियन में स्टेट तो थी, सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट बोलते थे अपने आप को, लेनिन वगैरह। तो जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट थ्योरी है उसके हिसाब से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वहां आएगा जहां पर ऑलरेडी आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है, उसके बाद आपका सोशलिज्म आएगा। जब तक वो नहीं आता, और अगर आप देखोगे ये बहुत बड़ी एक आयरनी है कि जितने भी लोग अपने आप को सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कहते हैं, वो रिजीम वहां पर आया है जो बैकवर्ड एरियाज है। सोवियत यूनियन 1900s, अर्ली 1900s में कोई डेवलप्ड नेशन नहीं था, इट वॉज अ बैक वॉटर, मतलब बिल्कुल ही पिछड़ा इलाका। और वहां पर वो लोग आए और उन्होंने कहा क्योंकि यहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है कैपिटलिस्ट, तो हम इंटरमीडियरी स्टेज में है, हम पावर होल्ड कर रहे हैं इंटरमीडियरी टाइम में, और फिर अब जस्टिफाइड है हम जो कर रहे हैं उसको करने में। तो फिर उन्होंने खूब वहां पर भी उन्होंने पॉपुलेशन को ठोक पीट के सीधा करा। सो आई डोंट थिंक दैट वाज कम्युनिज्म, क्योंकि उस टाइम पर भी अगर आप देखोगे दो विंग्स थे कम्युनिज्म के, एक था आपका लेनिन वाला विंग, एक था रोजा लक्समबर्ग वाला विंग, जो बेसिकली एनार्किस्ट थे, बकूनिन वाला विंग। तो ये लोग तो कभी फेवर में थे ही नहीं स्टेट के। तो कम्युनिस्ट थ्योरी में मार्क्स ने भी एनविजन करा है कि एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां हमें स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक इलेक्शंस की बात वहां पर बोलना ठीक नहीं है। और एंगल्स ने तो स्पेसिफिकली बोला था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म इज द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट। तो आई थिंक कम्युनिज्म इज कंसिस्टेंट विद इलेक्शंस। अब लोग जब पावर में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली दे वील्ड पावर, और फिर वो जो करते हैं वो करते हैं। सोशलिज्म इज द मिडिल पाथ बट ऑफन स्ट्रगल्स टू एक्सेल। अब सोशलिज्म एक बहुत ही वाइड टेंट है, सोशलिज्म के अंदर कम्युनिज्म भी आ जाता है, जिसको आप कम्युनिज्म कह रहे हो स्टेट बेस्ड, उसके अंदर आ जाता है आपका जो वर्कर कोऑप्स है वो आ जाते हैं, और जो वेलफेयर स्टेट है FDR टाइप की, जो मैसिव इंटरवेंशन है स्टेट में, वो भी आ जाता है। सो सर, हाउ विल द कंट्रीज इकोनॉमी बूम विदाउट कैपिटलिज्म? व्हाट्स द आइडियल सिस्टम फॉर सच बूम अकॉर्डिंग टू यू? देखो शमांत, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या कैन वी डू बेटर देन वॉट वी हैव करेंटली नाउ? आई थिंक द आंसर इज यस। और जितना भी हिस्टोरिकल प्रोग्रेस हुआ है वो कभी भी ये मानकर नहीं हुआ है कि जो हमारे पास अभी है वो बेस्ट है। अगर आप स्लेव सोसाइटीज में देखोगे तो स्लेवरी में भी प्रोग्रेस था, ऐसा नहीं था स्लेवरी में प्रोग्रेस नहीं है। भाई 100 सालों में जो स्लेव्स की हालत थी उससे पहले जब थी उससे ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, बट दैट डिडंट मीन कि हमें कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए। हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए, और कुछ मोनार्की थी। अब अगर आप किसी से पूछो कि भाई आइडियल सिस्टम क्या है, तो कोई बंदा वहां पर ब्लूप्रिंट लेके थोड़ी बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो आज हमारे पास है। एग्जैक्टली क्या हुआ आगे हिस्ट्री में, ये तो ट्रायल और एरर के बेसिस पे हम आज अराइव करे हैं जहां पर करे हैं। और अगर कोई बंदा इसको वाकई ओवरसी कर सकता है, तो भाई भैया वो भगवान है, हमें मिलवा दो उससे। तो कैन वी डू बेटर देन दिस? ऑफ कोर्स वी कैन। शुड वी ट्राई आउट न्यू मेथड्स? ऑफ कोर्स वी कैन। लेकिन जब हम करें तो हमें ये ना बोला जाए कि भाई कैपिटलिज्म ही सब कुछ है। आज के टाइम पर आप एग्री करोगे या नहीं करोगे कि वर्ल्ड में
प्रोडक्शन ऑफ फूड इज मतलब उसकी कोई कमी नहीं है, हम फूड से सबको सिक्योर कर सकते हैं, कोई भी भूखा नहीं मर सकता, फिर भी करोड़ों लोग आज भी दुनिया में भूख से मर रहे हैं। अब क्यों मर रहे हैं? क्योंकि कैपिटलिज्म का लॉजिक ये है कि अगर आपको खाना चाहिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर पैसा आपके पास नहीं है हम दूसरे से लेकर नहीं लेने देंगे आपको, तो ठीक है मरो। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में यहां पर आपका क्या हो गया, आपकी भुखमरी चल रही है और पिटी ओपेक चल रही है, दिख नहीं रही हमें लेकिन है। ओके सो नेक्स्ट समृद्धि, वेल दैट वाज अ वे टू लुक एट प्रेडिक्शन, आई एक्चुअली मेंट द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम इज टू होल्ड ऑन टू मोनोपोलीज, ठीक है करेक्ट, विदाउट कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन, ठीक है। कैपिटलिज्म व्हिच हिस्टोरिकली हैज बीन डायनामिक इंडस्ट्री आल्सो हैज अ टेंडेंसी टू सीक मोनोपोली रादर देन कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट्स, सो इवेंचुअली कैपिटलिज्म इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ मोनेटराइज्ड फ्यूडलिज्म। हाँ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देयर कैन बी अ डिबेट, दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड, ये सेटल्ड क्वेश्चन नहीं है आई वुड से। तो जैसे यानिस वारूफाकिस ने बुक लिखी है टेक्नो फ्यूडलिज्म, कि क्या हम फ्यूडलिज्म में आ गए हैं वापस से टेक्नोलॉजी के, जहां पर प्लेटफॉर्म बेस्ड चीजें चल रही है, कॉम्पिटिशन तो हो ही नहीं रहा, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट, नॉट येट सेटल्ड, दैट्स व्हाट आई वुड से टू दिस। अनिमेश कहते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ केयर शुड बी लो कॉस्ट और फ्री बट द एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड बाय टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इफ वी प्रिंट मोर मनी इट विल इंक्रीज इन्फ्लेशन। अब देखिए प्रिंटिंग मनी पे भी मैं बता दूं, अगर आप ऑब्वियस फिर से मैं पब्लिसाइज करूंगा अपने पेज को प्योर इकोनॉमिक्स को, अगर आप उस पर देखोगे तो इन्फ्लेशन कब होता है, इन्फ्लेशन प्रिंट मनी करने से तब होता है सर जब रिसोर्सेस फुली इंप्लॉयड है, व्हेन यू हैव अ बूमिंग इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी बूम कर रही है, सब लोग इंप्लॉयड है, फैक्ट्रीज फुल यूटिलाइजेशन पे चल रही है। अब अगर आपने नोट प्रिंट करके लोगों के हाथ में बांट दिए और लोग बाजार में जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म में क्या प्रोड्यूसर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा दे आपके लिए? नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज तो फुल यूटिलाइज हो रहे हैं, तो ऐसे में वो प्राइस बढ़ा देगा। अब आप मुझे बताइए कि कौन नोट प्रिंट कर रहा है अंडर अ सिचुएशन ऑफ बूम, ऐसी कौन सी कंट्री है जो बूम में नोट प्रिंट करती है? हर कंट्री रिसेशन में नोट प्रिंट करती है, क्यों? क्योंकि रिसेशन में प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो फुली यूटिलाइज नहीं हुई होती, आपके लोग रिसोर्सेज फुली इंप्लॉयड नहीं है, बेरोजगारी है। तो ऐसे में अगर आप नोट प्रिंट करोगे और चैनलाइज करोगे सही जगह, तो उससे डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर है जो अभी लेट से 40% अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहा था प्लांट का, अब वो उसको 50% करेगा, 60% करेगा, 70% करेगा, ही इज नॉट ए प्राइस सेटर। अगर वो मोनोपली है तो मोनोपली तोड़ो, तो वहां पर मोनोपली की वजह से प्राइस राइज हो रहा है। अगर वो मार्केट में है और उसके पास गुंजाइश है प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो इन्फ्लेशन क्यों होगा? So I think this is a myth. Inflation और कई कारणों से होता है, जैसे एक्सपेक्टेशन से, सब लोग अरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6% इन्फ्लेशन होगी तो अपने दामों को 6-7% बढ़ा देंगे, इसलिए फेडरल रिजर्व हमेशा जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो बोलकर चलता है कि हमारा टारगेट रेट है 2%, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में एक्सपेक्टेशंस भी इस हिसाब से बिठा देता है। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, एक्सपेक्टेशंस। अनदर रीजन इज कि नोट प्रिंट हो गया तो प्रोपोगेंडा फैलाओ, अब तो हमें दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो लोग मार्कअप कर लेते हैं। आपको यह भी देखना पड़ेगा जब नोट प्रिंट हो रहे हैं कि क्या वेजेस में उतना राइज हुआ है या सिर्फ प्रोडक्ट का प्राइस ही बढ़े जा रहा है। यू हैव टू सी दिस कि प्राइस कौन बढ़ा रहा है, क्या प्रोडक्ट बेस्ड इन्फ्लेशन हो रही है या वेज बेस्ड इन्फ्लेशन हो रही है। तो यूजुअली जो अमेरिका में इन्फ्लेशन हुई वो प्रोडक्ट बेस्ड इन्फ्लेशन हुई, वेज बेस्ड नहीं हुई इतनी, लेकिन ब्लेम किस पे गया? गवर्नमेंट पे। सो आई थिंक देयर अभी तो और क्वेश्चंस नहीं है। धीरज सिंह, ओके, स्टैटिस्टिक्स वर्क्स इन दिस, या श्योर, वेरी श्योर, बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स को यूज करना चाहिए इसमें, हमें ये देखना, ये नहीं बोल के सिर्फ चुप हो जाना, क्योंकि देखिए कैपिटलिस्ट थिंकर्स की टेंडेंसी क्या है, हर चीज में गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो, फैक्ट्स नहीं देखने, डेटा नहीं देखना, गवर्नमेंट की कमी होगी, रिसेशन आया गवर्नमेंट ने क्या होगा, इन्फ्लेशन गवर्नमेंट ने की होगी। तो अगर इन्फ्लेशन हो रही है, मान लो नोट प्रिंटिंग हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ रिसेशन डिमांड इज फॉलिंग, अंडरस्टैंड दिस, रिसेशन का मतलब क्या होता है, डिमांड नहीं है इकोनॉमी में। आप इंडिविजुअली अपने आप को इमेजिन करो, यू आर अ प्रोड्यूसर, आप एक धन्ना सेठ हो और आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हो, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है क्या आप फैक्ट्री लगाओगे? बल्कि जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उससे लोग निकाल दोगे, जिससे कि नेक्स्ट राउंड में जो इनकम जनरेट होगी वो कम होगी और कम डिमांड होगी और ज्यादा लोग निकाले जाएंगे, एंड यू विल गो डाउन गो डाउन गो डाउन कीप ऑन गोइंग डाउन जब तक डिप्रेशन नहीं हो जाता, अनलेस एंड अंटिल
गवर्नमेंट स्टेप्स इन, प्रिंट्स मनी और डस फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल एक्सपेंडिचर बहुत मैसिव करती है, जिससे डिमांड जनरेट हो, बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस आए और फिर वो इन्वेस्ट करे. वहां पर फिर आप ये आप कहो कि गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट कर दिया इसलिए, अरे गवर्नमेंट नोट प्रिंट ना करती तो आपका डिप्रेशन में चल जाती इकॉनमी. अब अगर नोट प्रिंट कर लिया तो उसका ब्लेम किस पे जा रहा है, गवर्नमेंट पे, लेकिन नहीं करती तो ब्लेम जाता गवर्नमेंट में कि क्यों नहीं किया. और जब एक बार ही नोट प्रिंट हो गए, फिर आप ये देखो यूजिंग स्टेटिस्टिक्स कि ये इन्फ्लेशन का कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, कॉर्पोरेशंस है. अगर कॉर्पोरेशंस है तो उस पर आप कंट्रोल्स लगाइए कुछ ना कुछ, जैसा कि जॉन केनेथ गोल्ब्रेथ ने करा था व्हेन ही वाज पार्ट ऑफ एफडीआर रिजीम. अगर वेजेस भी बढ़ रही है उस हिसाब से तो लोग कंप्लेन करेंगे ही नहीं, मास ऑफ द पीपल, क्योंकि उनकी तनख्वाही भी बढ़ रही है. So do we have another question? Or this is, should we close now? So I don't think we have any more questions. If anyone wants to ask anything, you can put it in the chat box, or I think we should end the session. Okay, so I don't think so there will be any more questions. Okay, as we wrap up tonight's session, I want to extend my heartfelt thanks to Mr. Keshav Bedi for his invaluable insights and to all of you for your active participation. Thank you for inviting me, and I hope I haven't bored all of you. Technological, you know, disruptions aside, or mera fumbling thoda bahut English ko lekar ke, kyunki I've been out of touch for a while. I hope this session was, you know, somewhat useful to you. Oh, definitely, sir. Thank you all for tuning for this episode of Synapse Talks, and we look forward to seeing you at our future events. Thank you very much. Have a great evening, and goodbye. Thank you. हाँ.